सो स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स। पहले तो उसका मतलब समझते हैं, लिमिट्स क्यों लेते हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सपोज कर लेते हैं एक कर्व दे रखा है, देयर इज अ कर्व, y इज इक्वल टू fx। एक कर्व है y इज इक्वल टू fx, इसकी सपोज कर लू किसी एक पॉइंट पे a पे वैल्यू fa आ रही है एट x इज इक्वल टू a। ये फंक्शन अपनी वैल्यू ले रहा है एफ ए, एफ ऑफ ए। अब लिमिट जिसको एल आई एम करके लिखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इट मींस ये लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए और लिमिट किसकी ले रहे हैं हम, ऑफ एफ एक्स, ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब ये होता है कि एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है। एक्स टेंस टू ए का मतलब लिमिट एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू ए के इक्विवेलेंट नहीं है, अगर ए के इक्विवेलेंट होती तो सीधे सीधे हम एफ ए बोल देते हैं। यहाँ पे एफ ए क्या आ रहा है, एक्स को ए रख देंगे तो एफ ए आ जाएगा। और एक्स ए की तरफ टेंड कर सकता है आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब देखते हैं अगर लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक्स ए की तरफ टेंड करेगा लेकिन ए पे पहुंचेगा नहीं, ए से थोड़ा सा पहले रहेगा ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एलएचएल बोल देते हैं, दैट इज नोन एज एलएचएल, एल एच एल। और ये लिखा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, चूंकि लेफ्ट से टेंड कर रहा है तो ए से स्लाइटली छोटा होगा ए माइनस। ठीक है, अब अगर राइट हैंड से टेंड करेगा तो ए पे पहुंचेगा नहीं, ए से जस्ट पहले, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। जिसको हम बोलते हैं आर एच एल, और ये हो जाएगा लिमिट, चूंकि राइट से टेंड कर रहा है तो ए से स्लाइटली बड़ा होगा तो ए प्लस लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं ए प्लस। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए का मतलब ये हुआ कि या तो लेफ्ट हैंड से टेंड करेगा या राइट हैंड से टेंड करेगा। लेफ्ट हैंड से टेंड करेगा तो उसको हम एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड से टेंड करेगा तो आर एच एल राइट, सॉरी लेफ्ट हैंड से टेंड करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड से टेंड करेगा तो राइट हैंड लिमिट। अब कंडीशन, कंडीशन दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, या तो फाइनाइट है या फिर प्लस माइनस इनफाइनाइट है। अच्छा, लिमिट ही ऐसा चैप्टर है जहां पे आंसर इनफाइनाइट या प्लस माइनस, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो सकता है। आंसर ऑफ लिमिट, आंसर ऑफ लिमिट मे बी
प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इसके अलावा और भी कहीं पे भी पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक जगह और है, किसी भी नंबर, किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसी इक्वेशन के इनफाइनाइट आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी जगह नहीं है जहां पे आंसर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता हो। तो लिमिट में आंसर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ सकता है, मतलब LHL RHL दोनों अगर इनफाइनाइट आ रही तो लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है। LHL RHL दोनों माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो लिमिट की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो सकती है। और एक और केस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी आंसर इनफाइनाइट पूरी मैथ्स में नहीं आता है। तो और इसको डिटेल में देखते हैं। सपोज कर लो LHL RHL का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 1 पे, इसकी वैल्यू f1 आ रही है फंक्शन की, दिस इज y इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब हम बात करते हैं LHL की लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, 1 पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सटेंड्स टू 1 माइनस हो जाएगा, 1 से स्लाइटली छोटा। फंक्शन किसकी लिमिट ले रहे हैं, fx की ले रहे हैं। तो अब ये 1 से कितना छोटा है ये एग्जैक्टली तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 से एक ऐसा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें जो बहुत ही छोटा होगा, ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। सपोज कर लो ये जो 000 आ रहे हैं ये 10 to the power 100 आ रहे हैं, मतलब ये जस्ट एक, अब इस पे स्टिक नहीं होना है कि 10 की पावर 100 आ रहे हैं, ये बस सिर्फ समझने का तरीका है कि 1 से कितना छोटा होगा, 1 से जो डिफरेंस आएगा इसका वो बहुत ही माइन्यूट होगा। मैथमेटिकली इसको हम डिक्लाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, लेकिन सॉल्व तो मैथमेटिक्स के लिए ही करना है। तो 1 माइनस का मतलब ये हुआ कि 1 से बहुत स्लाइटली छोटा, मतलब इतना छोटा कि उसको एग्जैक्ट काउंट ही नहीं कर सकते हो, ये जो डिफरेंस आएगा बहुत माइन्यूट आएगा, ठीक है। और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या बताया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस को हम बोल सकते हैं 1 में एक ऐसा नंबर ऐड कर दें हम जो कि बहुत माइन्यूट है, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं कि 10 की पावर 100 लिख दिया हमने, मतलब सिर्फ बताने का मतलब यह है कि बहुत छोटा नंबर है, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत छोटा नंबर। 000 कितने बार आ रहा है, 10 की पावर 1000 टाइम्स, मतलब 10 to the power 1000 बहुत बड़ा नंबर होगा। तो अगर 0 डेसिमल के बाद इतने बार आ रहे हैं तो ये नंबर बहुत माइन्यूट होगा। तो प्रैक्टिकली तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली 1 प्लस जो होगा वो 1 से स्लाइटली बड़ा ही होगा, मैथमेटिकली ये 1 नहीं है। तो इट मींस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 का मतलब, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 का मतलब एक्स 1 नहीं होता, 1 से या तो स्लाइटली छोटा होगा लेफ्ट साइड से टेंड करेगा या स्लाइटली बड़ा होगा राइट साइड से टेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0
वन बाय एक्स, ठीक है, ये बताना है। तो हमने लिमिट का तरीका क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, जीरो से स्लाइटली छोटा। अब इसको ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर जीरो से स्लाइटली छोटा हो या ज्यादा छोटा हो, अगर कोई भी नंबर जीरो से स्लाइटली भी छोटा हो जाए, बहुत कम माइन्यूट डिफरेंस आ जाए, तो भी वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट में तरीका यह होता है कि सीधे सीधे वैल्यू रख दी जाती है, और कोई तरीका नहीं है। सीधे सीधे एक्स पे लिमिट लगी है, जीरो माइनस यहां पे रख दो, एंड एज वी नो वन अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इंफिनिटी। इवन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिखाओ, अपॉन जीरो करेंगे, एनी पॉजिटिव रियल नंबर अपॉन इंफिनिटी, अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। और कोई भी नेगेटिव नंबर हो, माइनस वन अपॉन जीरो इज माइनस इंफिनिटी, मींस आर माइनस अपॉन जीरो इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वन अपॉन जीरो माइनस, हमें पता है जीरो माइनस इटसेल्फ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट करते जाओ, जीरो माइनस कैसा है, नेगेटिव है। तो वन अपॉन जीरो माइनस माइनस इंफिनिटी आएगा, क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। वन अपॉन जीरो माइनस इज माइनस इंफिनिटी, आर एच एल मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स। अच्छा, जीरो से अगर स्लाइटली बड़ा हुआ या ज्यादा बड़ा हुआ तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। जीरो प्लस कैसा आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो डिफरेंस आएगा, कई जगह डिफरेंस काफी बड़ा आएगा, जैसे यहां पे देख रहे हो, जीरो माइनस से वो नेगेटिव हो गया, जीरो प्लस से वो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो डिफरेंस तो आ ही रहा है, ठीक है। तो वन अपॉन जीरो प्लस विल बी प्लस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो प्लस विल बी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो एल एच एल आ रहा है माइनस इंफिनिटी, आर एच एल आ रहा है प्लस इंफिनिटी, एल एच एल आ रहा है माइनस इंफिनिटी, आर एच एल आ रहा है प्लस इंफिनिटी, एल एच एल हो गया माइनस इंफिनिटी, आर एच एल हो गया प्लस इंफिनिटी। तो ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि एल एच एल आर एच एल को बराबर आना चाहिए, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन अपॉन मॉड एक्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन मॉड एक्स। सिंपली क्या करो, यहां पे वैल्यू उठा के रख दो इसकी, जीरो माइनस। अच्छा, जीरो माइनस नेगेटिव होता है, तो जीरो माइनस का मॉड जो आएगा वो जीरो प्लस आएगा। जीरो माइनस का मॉड क्या आएगा, जीरो प्लस, तो ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो प्लस। जैसे माइनस टू का मॉड टू आता है, वैसे जीरो माइनस का मॉड क्या आएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वन अपॉन जीरो प्लस इज इंफिनिटी, देन आर एच एल, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन अपॉन मॉड एक्स। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो प्लस का मॉड, और जीरो प्लस का मॉड जीरो प्लस ही आएगा, एंड दैट विल बी प्लस इंफिनिटी। अब इस केस में देखो, एल एच एल भी इंफिनिटी आ रहा है, आर एच एल भी इंफिनिटी आ रहा है, और हमने बताया था कि लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हो सकता है। तो इस केस में दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट
लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला एग्जाम्पल था लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन बाय एक्स। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लिखो या इसको लिखो एक्स वाई इज इक्वल टू वन। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, LHL मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो से स्लाइटली छोटा है। अब इस ग्राफ को हम जीरो, जीरो पे तो जीरो हो ही गया, जीरो माइनस पे देखते हैं। कहां पे देखते हैं, जीरो माइनस पे, जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है। जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर इसको आरएचएल से देखें, RHL मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स। अब अगर जीरो प्लस पे देखो, जीरो से स्लाइटली थोड़ा पहले, तो इस ग्राफ की वैल्यू देखो जरा कहां पे जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। ये कहां चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफिकली भी इस चीज को हम देख सकते हैं, और इस केस में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करी थी हम लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी थी लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन अपॉन मॉड एक्स। अच्छा, वन अपॉन मॉड एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पूरे फंक्शन का मॉड। क्लियर है बात। अब देखो, हमें वन अपॉन एक्स का ग्राफ तो पता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने पढ़ा था कि अगर पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया जाए तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज अ मिरर। ठीक है, तो वन अपॉन मॉड एक्स का जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ का काफी रेलेवेंस होता है कैलकुलस में, काफी जगह ग्राफ बनाने पड़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया था, जो पोर्शन कर्व का अबव द एक्स एक्सिस है वो अबव द एक्स एक्सिस ही रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन था, यहां वाला पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, ये पोर्शन है, ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज अ मिरर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज अ मिरर। तो अब यहां पे LHL पहले तो देखते हैं हम लोग, LHL मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स का मॉड ऐसे लिख लें, क्योंकि वन का मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वन इटसेल्फ पॉजिटिव है, या वन अपॉन मॉड एक्स इस तरह से लिख लें, दोनों चीजें सेम है। तो अब यहां पे अगर देख रहे हो तो जीरो माइनस पे ये वैल्यू कहां जा रही है, ग्राफ में देखो ये वैल्यू चली जाएगी प्लस इंफिनिटी, दिस गोज टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफिकली हम ऐसे देख सकते हैं, और फिर RHL, RHL मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स। जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू देखो जरा, जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू, ये जीरो माइनस पे वैल्यू थी, ये जीरो प्लस पे वैल्यू आएगी,
जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू भी ऊपर जा रही है, और ये कहाँ जा रही है, दैट गोज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी। तो इस केस में एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और लिमिट का आंसर इस केस में इन्फिनिटी हो गया। तो ग्राफिकली हमने इसको इस तरह से देख लिया, तो आगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस समझ में आता है कि कहां पे ग्राफ से देखना आसान होगा और कहां पे इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आसान होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू सेक एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू सेक एक्स। अच्छा, sec x से उतना फैमिलियर नहीं होते हम लोग जितना cos x से होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन cos x, ठीक है। LHL का मतलब क्या होगा, LHL का मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली छोटा, पाई बाई टू माइनस 1 अपॉन cos x, ठीक है। और RHL मतलब होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ग्राफिकली देख लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ये कॉस एक्स का ग्राफ है और पाई बाई टू पे कॉस पाई बाई टू आता है जीरो, कॉस पाई बाई टू क्या आता है, जीरो। हमें यहां पे बात करनी है पाई बाई टू से पहले, पाई बाई टू माइनस पे, कहां बात करनी है, पाई बाई टू माइनस पे। तो पाई बाई टू से पहले अगर हम देखें, ये पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो हो गई, थोड़ा सा पहले देखो, और ये डिफरेंस अभी हमने एक्सप्लेन करा, ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है। तो पाई बाई टू के थोड़ा सा पहले, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू वन अपॉन सॉरी जीरो प्लस हो जाएगी, पाई बाई टू पे क्या वैल्यू होती है कॉस की, जीरो। तो पाई बाई टू से थोड़ा सा पहले इसकी वैल्यू जीरो प्लस आ जाएगी, तो दिस इज वन अपॉन जीरो प्लस, एंड वन अपॉन जीरो प्लस विल बी, अभी डिस्कस करा था वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वन अपॉन जीरो प्लस भी इन्फिनिटी आता है, जीरो से स्लाइटली बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा प्लस इन्फिनिटी, वन अपॉन जीरो माइनस क्या आएगा, चूंकि जीरो माइनस नेगेटिव हो जाता है तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी। अब पाई बाई टू प्लस पे बात करते हैं, पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे, पाई बाई टू से हल्का सा आगे बढ़ोगे, और ये डिफरेंस आई थिंक समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, पाई बाई टू से हल्का सा आगे देखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो माइनस आएगी, क्या आएगी, जीरो माइनस, तो दिस इज वन अपॉन जीरो माइनस, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस इंफिनिटी, क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एल एच एल आ रहा है प्लस इंफिनिटी, आर एच एल आ रहा है माइनस इंफिनिटी, तो लिमिट डी एन ई का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आई। अब देखो जैसे कि यहां पे तो फर्क पड़ रहा है, अब ये एक्सपीरियंस समझ में आएगा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, 150-200 क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आता है कि कहां पे लिमिट लेनी चाहिए एल एच एल आर एच एल और कहां पे नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एक्स प्लस टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एक्स प्लस टू, यहां पे पहले तो हम एल एच एल आर एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस वन से स्लाइटली छोटा, और सीधे सीधे यहां वैल्यू रख दो वन माइनस प्लस टू, अच्छा वन माइनस प्लस टू करेंगे, टू प्लस वन क्या होता है, थ्री होता है, लेकिन वन से स्लाइटली छोटा है तो ये वैल्यू थ्री से स्लाइटली छोटी आएगी, लेकिन कभी भी आंसर थ्री माइनस नहीं लिखा जाता,
इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, दैट इज 3। फिर आरएचएल ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स प्लस 2, सीधे सीधे यहां पे 1 प्लस लिख देते हैं, 1 प्लस प्लस 2 दैट विल बी 3 प्लस। और कभी भी 3 प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस जोड़ेंगे तो 3 से स्लाइटली बढ़ाएगा। तो इसकी भी वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेटली 3 ही लिखते हैं, 3 प्लस 3 माइनस आंसर नहीं होता है। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू 3, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू 3, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहां पे ऐसे केस में धीरे धीरे एक्सपीरियंस समझ में आएगा, यहां पे एल एच एल आर एच एल लेने कोई मतलब नहीं था, सीधे सीधे वैल्यू रख दो, 3 आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो कहां पे एल एच एल आर एच एल लेना है और कहां पे एल एच एल आर एच एल नहीं लेना है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है, कहां पे डिफरेंस पड़ेगा एल एच एल आर एच एल लेने पे और कहां डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, साइन पाई बाई 2 रख दो, सीधे सीधे आंसर आ गया 1। तो लिमिट में कुछ करना नहीं होता है, सीधे वैल्यू रख देनी होती है, लिमिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस या a प्लस a माइनस पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है। तो कहां पे फर्क पड़ेगा और कहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, 1 बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। देखो 0 प्लस और 0 माइनस से इतना बड़ा फर्क पड़ा, यहां पे 0 माइनस पे इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ गई और 0 प्लस पे इसकी लिमिट क्या आ रही है, प्लस इंफिनिटी। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी यूनिवर्स की, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन एक्स प्लस 2 पे जब हम लिमिट ले रहे थे एक्स टेंस टू 1 पे, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधे सीधे वैल्यू आ गई। तो कहां पे फर्क पड़ेगा और कहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये धीरे धीरे आइडिया लगेगा। अब आगे देखते हैं, अब देखें तो क्या बात करी, उसको समराइज कर लेते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज सैड टू एग्जिस्ट, ये क्या लिखते हैं इसको, एक्सटेंड्स टू ए व्हेन दिस इज, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे पहले तुम ले लो एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल को हमने कैसे बताया था, एक्स टेंस टू ए माइनस लिख लो, या इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ए माइनस की जगह ए से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका नाम हमने दे दिया एच, और जो एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बहुत माइन्यूट है, तो टेंस टू जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह रख दो ए माइनस एच, और h टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, हमारा जीरो, हमारा h ऑलवेज जीरो प्लस होता है, जीरो से स्लाइटली बड़ा होगा तभी a से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h, ठीक है। और हमारा h ऑलवेज जीरो प्लस होता है क्योंकि h टेंस टू जीरो का मतलब तो जीरो प्लस और जीरो माइनस फिर से हो सकता है, तो अगर ये जीरो माइनस हो गया तब तो ये a में ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बनेगी। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो h है वो जीरो प्लस की तरफ है, मतलब h हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू आर एच एल में क्या होता है, आर एच एल में ये x टेंस टू क्या हो जाता है, a प्लस हो जाता है, ए से स्लाइटली बड़ा हो जाता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एल एच एल और आर एच एल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ए से स्लाइटली बड़ा हो जाएगा, ये ए से स्लाइटली छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं,
तो ये हो गया हमारा, क्लियरली दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए माइनस एच, एच टेंस टू क्या है, जीरो प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो प्लस है, सम फाइनाइट वैल्यू एम, या यहां पे इसको अलग से डिफाइन कर दिया है, सम फाइनाइट वैल्यू एम और प्लस माइनस इंफिनिटी, और प्लस माइनस इंफिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब देखो क्या लिखा है, नोट दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू अबाउट व्हाट हैपेंस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पे तो हमें वैल्यू पता ही थी कि एफ ए आ रहा है। अब लिमिट में बेसिकली ए के लेफ्ट और राइट में, मतलब ए के नेबरहुड में हम चेक करते हैं कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ए पे तो हमें वैल्यू पता है, उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं थी। हम कैसे देखते हैं कि उसके राइट में, लेफ्ट में और राइट में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए हम लिमिट निकालते हैं। तो ए पे जानना, जानने के लिए लिमिट नहीं निकाली जाती। ऑल्सो नोट दैट इफ एल एच एल एंड आर एच एल बोथ टेंड्स टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज सैड टू बी इनफाइनाइट लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लिमिट, ठीक है। अगर एल एच एल आर एच एल दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, एल एच एल आर एच एल दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट लिमिट, और उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। अब रिमेंबर, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इम्प्लाई एक्स ए नहीं है, एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू बताना है। क्या बताना है, ध्यान से देखना है इसको, एक्स टेंस टू पाई बाई टू बताना है। तो जरा देखो, यहाँ पे ग्राफ में अगर देख रहे हो तो पाई बाई टू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। पाई बाई टू पे जो वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे देखो हॉलो सर्किल बना है, तो पाई बाई टू पे जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है एफ पाई बाई टू, अगर डायग्राम ध्यान से दिख रहा है तुम्हें, तो एफ पाई बाई टू जो आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकेंड जस्ट, अब इसको देखो, हेयर एफ पाई बाई टू वन नहीं आ रहा, एफ पाई बाई टू वन नहीं है, एफ पाई बाई टू ने इसकी जो वैल्यू फिल कर दी वो टू से फिल कर दी, तो एफ पाई बाई टू जो है दैट इज टू। लेकिन हम इंटरेस्टेड पाई बाई टू पे नहीं है, हम इंटरेस्टेड उसकी लिमिट पे हैं, तो हमें पाई बाई टू से स्लाइटली पहले या स्लाइटली बाद में देखना होगा, ठीक है। पाई बाई टू से स्लाइटली पहले दैट विल बी आर एच एल, चूंकि ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स के बारे में कुछ पता नहीं, तो ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से स्लाइटली पहले, इसकी पीक वैल्यू यहां पे वन थी, तो ये वन से स्लाइटली छोटा होगा, लेकिन वन से स्लाइटली छोटा लिखा नहीं जाता है, इसको क्या लिख देते हैं, सीधे वन लिख देते हैं। और पाई बाई टू के स्लाइटली बाद में जब स्लाइटली बड़ा है तो भी इसकी वैल्यू वन से छोटी आएगी, तो आर एच एल में भी वन माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। तो इस केस में एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू तो टू आ रहा है, लेकिन जब हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं तो दोनों ही लिमिट क्या आ रही है, वन आ रही है, दोनों ही लिमिट क्या आ रही है, वन। ग्राफ से देख सकते हो एफ ऑफ पाई बाई टू तो वन टू है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में, पाई बाई टू के लेफ्ट और राइट में वैल्यू क्या ले रहा है, वन वैल्यू ले रहा है। क्लियर है बात, इट्स टेकिंग वैल्यू वन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ठीक है, पाई बाई टू के पहले और बाद में। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, लिमिट का मतलब एफ ए निकालना नहीं होता है, उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर कैसा है उसको जानना लिमिट का मतलब होता है। एग्जाम्पल टू, अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड एल एच एल, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं दे रखा है, तो सिंपली तुम वन के लेफ्ट में देखो, वन के लेफ्ट में ये वैल्यू क्या ले रहा है, वन से स्लाइटली छोटी वैल्यू लेगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या लेगा, वन से स्लाइटली छोटी, लेकिन हम लिखेंगे क्या इसको, एल एच एल को, वन,
ठीक है, देन RHL, RHL मतलब वन के जस्ट बाद में, वन के जस्ट बाद में अगर हम देखें तो वन के जस्ट बाद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये वैल्यू क्या ले रहा है, टू से स्लाइटली छोटी वैल्यू ले रहा है या स्लाइटली बड़ी बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम लिखेंगे क्या टू, ठीक है। तो इस केस में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में, क्लियर है बात। अब देखो LHL RHL के बराबर नहीं है यहां पे, तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, सिर्फ वन पे बात नहीं करनी है, वन के लेफ्ट में और राइट में बात करनी है, दैट इज लिमिट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ग्राफ क्लियरली दिख रहा है सबको, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो पहले हम LHL पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के LHL पे, फिर हम बात करेंगे RHL, फिर चेक कर लेंगे। तो LHL मतलब कहां पे बात कर रहे हैं, जीरो पे बात कर रहे हैं, तो जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में ये वैल्यू आ रही है टू, जीरो के लेफ्ट में ये वैल्यू क्या आ रही है टू, तो लेफ्ट मतलब LHL, तो दैट इज टू, ठीक है, क्या हो जाएगी ये वैल्यू टू आ जाएगी, LHL इज टू। RHL की बात करते हैं, जीरो के राइट में, जीरो के राइट में बात करते हैं, जीरो के राइट में ये वैल्यू देखो क्या आ रही है, जीरो प्लस पे ये वैल्यू वन आ रही है, ठीक है। तो RHL यहां वन हो गया, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, यहां पे लिमिट किस पे ली जा रही है, यहां पे लिमिट ली जा रही है वन पे, तो LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो LHL वन पे वैल्यू बाय द वे जीरो आ रही है इसकी, वन पे ये एक्स एक्सिस पे है, तो वन से स्लाइटली पहले भी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। और वन के स्लाइटली आगे यहां पे वैल्यू भी जीरो प्लस आ रही है, लेकिन लिखेंगे क्या, जीरो। तो इस केस में LHL RHL के बराबर आ रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जीरो आएगी। इस केस में क्या आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री। अब बात करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री पे, तो थ्री पे अगर देखो, थ्री पे वैल्यू ये थी, हम एफ थ्री में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके पहले और बाद में इंटरेस्टेड है, तो एफ, और बाय द वे कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो थ्री के पहले देखो तो भी वैल्यू वन आ रही है, थ्री के बाद में देखो तो भी वैल्यू वन आ रही है, तो LHL इज इक्वल टू RHL और ये वैल्यू आ क्या रही है, वन इज इक्वल टू वन, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर आ रहा है वन। तो आई थिंक अब आइडिया लगा होगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी तक जो बात करी हम लोगों ने लिमिट की, उसमें लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक तरीका तो LHL RHL हो गया, ठीक है। दूसरी बात हो गई, अगर LHL RHL से फर्क नहीं पड़ता है, जैसे x प्लस टू वाला एग्जाम्पल देखा था, तो सीधे सीधे वैल्यू रख दो, तो यूजुअली हम अब LHL RHL की बात नहीं कर रहे हैं, अब सीधे सीधे हम वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट का पहला स्टेप ये होता है कि सीधे सीधे a उठा के रख दो, तो लिमिट का रिलेवेंस तो हमें समझ में आ गया, LHL RHL होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे तुम कि डायरेक्टली वैल्यू रख के सॉल्व करा जाता है, अगर ये कोई भी फाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट नंबर आता है तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा फाइनाइट, या फिर प्लस माइनस इनफाइनाइट आंसर आता है, तो यही आंसर है। लेकिन अब कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं जिनके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं, कोई आंसर नहीं दे सकता, अगर ऐसा कोई फॉर्म आता है, फॉर एग्जाम्पल
जीरो बाय जीरो, उसको याद कर लो, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, बिकॉज इन्फिनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है मैथमेटिक्स का, इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है। जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं आता है। जीरो इंटू इन्फिनिटी में तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो इस जीरो को वन अपॉन इन्फिनिटी लिख लो, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर तुम इस इन्फिनिटी को वन अपॉन जीरो लिख सकते हो, तो ये जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इन जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो एंड वन टू द पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ये इतने फॉर्म तो याद रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जीरो बाय जीरो याद रहेगा तुम्हें, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी याद रहेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी याद रहेगा, और अब आई थिंक तुम्हें जीरो इंटू इन्फिनिटी भी याद रहना चाहिए कि जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, बिकॉज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। जीरो इंटू इन्फिनिटी को तुम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, जीरो इंटू इन्फिनिटी को तुम जीरो बाय जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी भी याद रहेगा, रहना चाहिए, जीरो टू द पार जीरो भी याद रहेगा, वन टू द पार इन्फिनिटी पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी याद रहेगा। अब इसके आगे जाके कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके आगे एक ही इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पार जीरो। अब कुछ लोगों को हर एक फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिखने लग जाती है, तो ऐसा नहीं है, इसको याद कर लो अलग से, इन सब पे तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तो याद ही हो जाएगा। जीरो टू द पार जीरो, वन टू द पार इन्फिनिटी, ये एक दो तीन चार पाँच छः फॉर्म याद हो जाते हैं। इसके बाद ये याद कर लो कि इन्फिनिटी की पावर जीरो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कुछ लोगों को लगता है इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी, सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी बताया जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो। इन्फिनिटी की पावर जीरो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर सीधे वैल्यू रखी है हमने, अगर कोई फाइनाइट नंबर आ गया या इनफाइनाइट आ गया तो आंसर हो गया, लेकिन अगर इनमें से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो फिर वही सीखना, उस वही चीज सीखेंगे हम, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे रिमूव करते हैं, और यही सीखना है हमें लिमिट में इस चैप्टर, ठीक है। सो नाउ, अब देखो वन बाय वन कौन कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है और कौन सी नहीं बन रही है। सीधे सीधे वैल्यू रख दो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा, यहां पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कहां पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है और कहां नहीं बन रही है, और जहां इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है वो एक्सप्रेस करना भी है। यहां पे तुम एक्स को जीरो रख दो, तो वन बाय वन नहीं बन रही इंडिटर्मिनेट फॉर्म, नो। यहां पे अब देखो एल एन एक्स आया, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एक्स एल एन एक्स, अगर एल एन एक्स है तो मैं बताया एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और डोमेन का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पे फोर्सफुली ये जीरो प्लस हो जाएगा। नहीं भी दिया जाए तो इसको जीरो प्लस मान लो, क्योंकि डोमेन तो देखना ही देखना है हमें। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, एल एन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एल एन एक्स का ग्राफ ये हो गया जीरो, ये है जीरो से स्लाइटली आगे, जीरो प्लस पे ये वैल्यू जीरो प्लस पे ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी। जीरो प्लस पे वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एल एन एक्स डिवाइड बाई वन बाय एक्स, सीधे सीधे क्या करना होता है, वैल्यू रख देते हैं जीरो प्लस एल एन जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस। तो यहां से देखो जीरो प्लस पे एल एन की वैल्यू, ये याद भी रखना है, जीरो प्लस पे ग्राफ से तुम्हें दिख रहा है एल एन जीरो प्लस आ रहा है, माइनस इंफिनिटी,
तो दिस इज माइनस इंफिनिटी, और वन अपॉन जीरो प्लस की हम बात कर चुके हैं, दैट इज इंफिनिटी। तो ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, यस, एंड इट इज माइनस साइन इररिलेवेंट होता है यहाँ पे। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, यहां पे सिंपली जीरो रख दो, वन अपॉन जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या होता है? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी फॉर्म, तो ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन एक्स की पावर एक्स, यहां पे भी जीरो रख दो, साइन जीरो टू द पावर जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो टू द पावर जीरो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। नाउ फिर से बात कर रहे हैं यहीं पे, तो ऑब्वियसली एल एन एक्स है, तो समझ जाना कि ये जीरो प्लस है, तो क्या बात होनी चाहिए? सीधे सीधे वैल्यू रख दो, एल एन, एल एन मतलब बेस ई, वन से बड़ा, एल एन जीरो प्लस की पावर जीरो प्लस। अच्छा, एल एन जीरो प्लस अभी देखा था हमने, माइनस इंफिनिटी, और जीरो प्लस नहीं, इसको जीरो ही लिख देते हैं। तो देखो जरा, इस बारे में हमने बात करी थी, इसको स्पेशली याद कर लो, क्योंकि अदरवाइज फिर सब पे कंफ्यूजन होता है। इंफिनिटी की पावर जीरो इज एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, और अभी जितनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बताई हैं उतने पे ही सेटिस्फाई रहना है, हर एक चीज को इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाना है। तो इंफिनिटी टू द पावर जीरो इज एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी तो ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी की पावर जीरो, ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, यस, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहां पे भी रख दो सीधे वैल्यू, साइन जीरो, वन प्लस साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो, और वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, तो ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो जरा, वन टू द पावर वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये वन है, ठीक है, एग्जैक्ट वन है। अच्छा, लिमिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है, तो वन को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, तो पूरे लाइफ भर वन को मल्टीप्लाई करते रहो, तो ये वन ही आएगा। तो इनफाइनाइट बार भी अगर इसको मल्टीप्लाई करे, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो दिस विल बी वन, तो ये वन ही आएगा। ये वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब होता है जब वन किसी लिमिट की वैल्यू आती है। मान लो बेस में कोई एक लिमिट ले रहे हैं और उसकी वैल्यू वन आ गई, तब ये वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म होता है। अदरवाइज ये एग्जैक्ट वन है, और एग्जैक्ट वन को पूरे लाइफ पर मल्टीप्लाई करो, एंड ऑफ लाइफ में तुम्हें वन ही मिलेगा, तो ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, जीरो डज नॉट मीन एग्जैक्ट जीरो, बट रिप्रेजेंट द वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो सिमिलरली टू वन एंड इंफिनिटी। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी अगर है, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन तो समझ ही गए, वन एग्जैक्ट वन नहीं होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, जीरो प्लस जीरो माइनस, तो कोई भी रियल नंबर है तो उसमें तो जीरो आर आर से थोड़ा सा छोटा और आर से थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से आता रहेगा। लेकिन अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, तो यहां पे एलएचएल आरएचएल लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी में तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 to the power 1000 या 1,00,000, इतना बड़ा नंबर भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, तो एलएचएल आरएचएल लेना इररिलेवेंट है, क्योंकि इंफिनिटी से स्लाइटली छोटा और स्लाइटली बड़ा कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जीरो अपॉन इन्फिनिटी उनको इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिखता है, ऐसा नहीं है। जीरो अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो आएगा, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम वन अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते हो, एंड वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो दैट इज जीरो इंटू जीरो। तो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए अपॉन जीरो ऑब्वियसली डिफाइंड ही नहीं होता है, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर। और अगर मान लो ए बाय बी जीरो है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, इस केस में सिर्फ ए जीरो हो, ठीक है। सो नाउ आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव कैसे करे जाते हैं, इसको डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो फिर फर्दर सॉल्व करना ही लिमिट में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो टू, उसके कई सारे मेथड हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव करने के। पहला है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है रैशनलाइजेशन और डबल रैशनलाइजेशन, तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, चौथा यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको यूज करके हम लिमिट सॉल्व करते हैं, पांचवा एक्सपेंशन ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अब देखो, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन मेथड्स को, और नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को INPS की ऐप पे ही मिलेंगे, INPS क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब लिमिट के जो नेक्स्ट वीडियोस हैं डिटेल में लिमिट्स के बारे में डिस्कस, INPS की ऐप से तुम लोग देख सकते हो उसको, ठीक है।